नाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय, बोलो श्री पन्ना धाम की जय, बोलो श्री सुंदर साथ की जय। प्रथम लागू दो चरण को धनिये छुड़ायो खिन, लाक तली लाल एड़िया मेरे जीव के एही जीवन, इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातूं, पल ना वालूं निरखुने त्रे मेरे जीव के यही जीवन, मेरे जीव के यही जीवन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। आप सब सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजमान श्री राजजी महाराज के नूरी चरणारविंद में कोटान कोट प्रणाम जी। आइए सुंदर साथ जी, कितनी प्यारी प्यारी प्रेजेंटेशन सब सुंदर साथ के दिल के भावों में पिरोई हुई। सब सुंदर साथ कितने आनंदित कर रहे हैं, हो रहे हैं, इधर भी राज्जी उधर भी राज्जी, करने वाले भी वही और होने वाले भी वही। तो आज श्री बगीचे टीम की प्रेजेंटेशन की तरफ चलते हैं। बहुत आनंद आने वाला है सुंदर साथ जी, इतने प्यारे प्यारे हमारे सुंदर साथ लग रहे हैं। कुछ बगीचों के प्रॉप्स रख के और कुछ फूलों के कलर के दुपट्टे, फूलों के कलर की ड्रेस कोड लेकर आप सबके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। जॉब से उतनी छुट्टी लेकर बैठे हैं सुंदर साथ, कितनी तैयारी करके, चाहे जॉब हो चाहे हाउस होल्ड वर्क हो, बोथ आर इक्वली इम्पॉर्टेंट। माया से छुट्टी लेकर बैठ गए हैं हम धाम धनी को रिझाने के लिए। तो आइए चलते हैं श्री बगीचे टीम की प्रेजेंटेशन की ओर। प्रणाम जी, प्रणाम जी। हाँ जी, ज्योति जी, प्रणाम जी। रंग महल श्री परम धाम की हो, रंग महल श्री परम धाम की लीला परंपार, राज समाज के संग सखियां करती नित्य विहार, हो राज समाज के संग सखियां करती नित्य विहार। प्रेम प्रणाम जी सुंदर साथ जी, आप सब धाम धनी के दिल की बगीचे में सुगंधी फैलाते हुए रंग बिरंगी फूलों को हम छे उसी बगीचे के सुंदर फूल अपने अंतरात्मा से स्वागत करना चाहते हैं। इसी अवसर पर हम हमारी प्यारी सखी अनीता अरोरा जी की
दिल के भाव भी यहाँ रखना चाहते हैं। रंग महल के आगे पीछे हैं हम आए, आगे फलों से और पीछे नूरी थंबों और फूलों से सजाएं। बीच हमारे नहरे और सुंदर चहेवरचे हैं आए, नहरे के किनार पर बैठकर रूहें खुद भी फल खाएं और पियाजी को भी खिलाएं। इस सुंदर भाव के लिए हम अनीता अरोरा जी के बहुत आभार प्रकट करते हैं। प्रेम प्रणाम जी, अनीता सखी जी। आइए सुंदर साज जी, अब हम बगीचे टीम की प्रेजेंटेशन स्टार्ट करते हैं। आओ प्यारी कुसुम सखी, इस बगीचे में आकर अपने भाव रूपी फूलों की खुशबू बिखेरें। आवाज आई? हेलो। हाँ जी, हाँ जी, प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, सभी सुंदर साथ की चरण में कोटि एक मिनट बैठ जाओ। फूल श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, फूल सदगुरु महाराज की जय, श्री राश्यामा जी की जय, परम धाम की जय, सब सुंदर साथी की जय। प्रणाम जी, सभी सुंदर साथ को प्रणाम जी। सुंदर साथ के हृदय में विराजमान श्री राज जी श्यामा जी के चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम जी। सबसे पहले हम राज जी का शुक्रिया अदा करना चाहेंगे, उन्होंने बगीचा टीम के माध्यम से हमको फूल के रूप में स्वीकार किया। अब हमारे आनंद का पारा भर नहीं, क्योंकि हर समय हम पिया के पास रहती हैं, कभी उनकी सिंहासन में, कभी सेज्या पर, कभी झूलों और हिंडोलों पर, तो कभी आभूषणों में और कभी मेहराबों पर शोभा पाती है। आज हम बगीचा टीम के साथ परम धाम के बगीचों में आए फूलों की खूबसूरती बताने जा रहे हैं। वैसे तो परम धाम के इन पुष्पों का वर्णन नहीं किया जा सकता, लेकिन वहां की खूबसूरती का आनंद लेने के लिए कुछ तो वर्णन करना ही होगा। हिसाब नाही फूलन को हिसाब, नाही चित्रामन हिसाब, नाही खुशबू को हिसाब, नाही कांगरिया। इति कई रंग है फूलन के, जिनको नाही सुमार, कई भांति कई रंग जुगते, कई कांगरिया के नार। हिसाब नहीं फूलन को। अब हमें परम धाम की वनों व बगीचों में प्रवेश हम कर चुके हैं,
चारों ओर फूल ही फूल नजर आ रहे हैं। चाहे बेल हो, वृक्ष हो, जमीन हो, सब अनंत रंगों के फूलों से लगे हुए हैं, लदे हुए हैं। जमीन पर चलते हुए चरणों के फूलों की गुदगुदाहट महसूस होती है। हिसाब ना ही चित्रामन, यहाँ बेलों, फूलों, पत्तों, वृक्षों पर बेहिसाब चित्रामन है। इस चित्रामन में आई जवेरों की पुतलियां व पशु पक्षी रूहों से बातें करते हैं। हिसाब ना ही खुशबू को, अनगिनत फूलों की खुशबू बेहिसाब चारों ओर परम धाम को महका रही है। हिसाब ना ही रंग रोशन, उनसे निकलने वाली खुशबू का कोई हिसाब नहीं। फूलों से निकलने वाली किरणें हवा की झोंकों के साथ इधर उधर डोल रही हैं। जैसे फूलों से निकलने वाली सुगंधि को नहीं मापा जा सकता, इसी प्रकार फूलों के जगमगाते हुए रंगों की भी गणना नहीं की जा सकती। इतने कई रंग हैं फूलन के, यहाँ फूलों के इतने प्रकार हैं, उनकी कोई सीमा नहीं। यहाँ अनेकों रंगों की बनावट के अनंत फूल हैं। इन फूलों व इनकी पत्तियों में कई कई रंग की डिजाइन व कांगरियां बनी है। एक एक फूल हजार हजार पाखड़ियों वाला है। इन फूलों पर हम सखियां खेल रही हैं, चल रही हैं। एक एक पत्ते पर एक एक रूह अचानक फूल बंद हो जाता है, रूह भी उसमें बंद हो जाती है। उस फूल के अंदर हम रामत खेलते हैं। श्री राज जी की हृदय स्वरूप सखिया हृदय स्वरूप फूल के अंदर बंद हो जाती है। वाह, कितना सुंदर नजारा है, इसका तो वर्णन ही नहीं हो सकता। जब हम सखिया फूल बाग में जाते हैं तो देखते हैं वृक्षों पर तो फूल है ही, जमीन पर भी उतना ही फूल है, बल्कि उससे भी अधिक। जब हम सखिया चलते हैं तो हमारी चरणों में गुदगुदाहट महसूस होती है। इति कई रंग हैं फूलन के, लाल नीले पीले गुलाल, हक हादी रूहन को ये देख मन होते खुशाल। एक ही फूल में अनेक रंग दिखाई दे रहे हैं, लाल नीले पीले गुलाबी सफेद। इन मनमोहक फूलों को देखकर हक हादी रूहों का मन प्रसन्न होता है। जब हमें फूलबाग नूरबाग के बगीचों में जाना होता है तब रोस पर आई फुलवारी को पार करके हम बगीचों में जाते हैं और फुलवारी में रास्ते बने हुए हैं, वहां हमारी बैठकें होती हैं। इनी रास्तों चकामिनी रूह संग रमत है राज अंगी सा। आई थिंक इंटरनेट हैंग हो गया है तो हम लोग अंजू अंजू जी की तरफ चलते हैं। प्रणाम जी अंजू को। राज जी आ गया वापस वापस। हाँ जी आप कंटिन्यू। अब ठीक है। हाँ जब हम सखियां इन फूलों को पार कर रहे होते हैं, इन रास्तों में हमारी बैठकें बनी हुई हैं, तो इन्हीं रास्तों चकामिने रूह संग रमत है राज अंगी सो अंगी मिला बीते होते मन खुशहाल। नहरों की दोनों तरफ रोस व अनेक रंगों की फुलवारी आई है। इस फुलवारी में अनेक रास्ते बने हैं। यहाँ राजी श्यामा जी सखियों के बैठने के लिए सुंदर सिंहासन व कुर्सियां रखी हैं। नहरें चबच्ची नूरी जल से भरे हुए दिखाई दे रहे हैं। बगीचों में वृक्ष थोड़ी थोड़ी दूरी पर आए हैं, जिसमें खेलने की सुंदर जगह बन गई है। यहाँ सखियां बालाजी के साथ खेलने की चाहना करती है। बालाजी के सुंदर स्वरूप को देखकर कहती है,
आज हम आनंद में विभोर होकर बालाजी के साथ नई नई रामतें खेलेंगे। बालाजी भी मुस्कुराकर सखियों के खूब हंसाते हैं और उमंग पैदा कर देते हैं। सखियां कहती हैं, आओ बालाजी, हम उड़न खटोले की रामत खेलेंगे। मिरक की तरह लंबी लंबी ऊंची ऊंची छलांगे लगाएंगे। इस रामत में सबसे पहले बालाजी छलांग लगाएंगे। कुछ सखियां बालाजी की छलांग की प्रशंसा करने लगी। तभी दूसरी सखी कहने लगी, तुम बालाजी की छलांग की प्रशंसा कर रही हो? उन्होंने तो लड़खड़ाती हुई छलांग लगाई है। ऐसी छलांगे तो हम सखियां कितनी ही लगा देती हैं। तभी सखियां प्रतियोगिता में कूदने लगती है और आनंद उल्लास बहुत अधिक बढ़ जाता है। इसी प्रकार हम सखियां उत्तर दिशा में आए हिंडोलों पर एक रस होकर झूलती हैं। बहुत आनंद आता है। यहाँ हिंडोलों में सुंदर झूलों की बेलें लिपटी हुई हैं। हिंडोलों की सेजियां फूलों की है। हिंडोलों की छत भी फूलों की है। कभी सखियां बैठकर झूलती हैं तो कभी पढ़कर झूलती हैं। सखियां कहती हैं, बालाजी आइए, आज हम नेत्रों से नेत्र मिलाने की रामत खेलेंगे। हमारा झूला कितना भी ऊपर जाए, नेत्र नीचे नहीं होने चाहिए। जो भी पहले नेत्र हटाएगा वो हारा हुआ माना जाएगा। ऐसी मधुर लीला का रस पान करने वाली सखियों में प्रेम क्यों ना होए? क्यों ना होए प्रेम इनमें, ऊपर झूलते हैं यूं गए। क्यों ना होए प्रेम इनमें, ऊपर झूलते हैं यूं गए। अरस परस इन धनी सब दो बैठती बांध नजर, दो बैठत बांध नजर। पियू पे नेत्रों नेत्र मिलाइए, जो उपजे आनंदी अति घन। तो प्रेम रसायन पीजिए, जो आतम ते उत्पन्न। प्रेम की अभिव्यक्ति नेत्रों से होती है। जब सखियां धनी के नेत्रों से नेत्र मिलाती हैं, तो उनको धनी के हृदय में चल रहे प्रेम के भावों का पता चल जाता है, जिससे उनके हृदय में बहुत अधिक आनंद उपजता है। धनी के हृदय की इन मीठी भावनाओं को जानकर रूहों में के हृदय में प्रेम बहुत अधिक फूट पड़ता है। सखी पिलावे शराब, रूहों प्याले लीजिए। सखी पिलावे शराब, रूहों प्याले लीजिए। हक इशकी का आप भर भर प्याले पीजिए, भर भर प्याले पीजिए। प्रणाम जी, सभी सुंदर साथ को प्रणाम जी। अब अंजू कोरेज सकी इस बगीचे में आकर अपने भाव रूपी शब्दों की खुशबू बिखेरे। प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सतगुरु महाराज की जय। सर्वे सुंदर साथ की जय। हो सकते हो हम रंग महल की नजदीक की परिक्रमा में चलते हैं। हम पहला अमे सात वन में परिक्रमा करीशु। श्री सात वन रंगमहल नी पूर्व दिशा में आवेलो छे। एमा त्रण वन ए पूर्व दिशा में 1500 मंदिर वच्चे आवेला छे। रंगमहल नी
पूर्व दिशा में केल, लींबो, अनार, अमरूद, आंबो, नारंगी अने बट आ सात वन आवेला छे। एक वन 2000 मंदिर लांबू अने 500 मंदिर पहोळू छे। लींबो वन में 4 बगीचा आवेला छे। अनार वन में अनार वन नो एक थी बीजू वृक्ष 2 मंदिर नी दूरी पर आवेलू छे। अमृत वन में एक बगीचा 31,250 वृक्षों आवेला छे। चारो बोम हिंडले सुख कब हम लेंगे चांदनी ऊंचा आवेला छे। भट पीपल चौकी मां 100 सहबच्चा आवेला छे। भट पीपल चौकी मां 170 फूल आवेला छे। भट पीपल चौकी मां हिंडोळानी शोभा आवेली छे। આવું શક્યો। હવે આપણે ફૂલબાગ અને નૂરબાગ માંથી પરિક્રમા કરીશું। ફૂલબાગ ઓર નૂરબાગ મે ચલકિયા કે જાય તેરી આવે સુગંધ કી લહેરી આવે સુગંધ કી આશરહી કા મારા વાલા જી ચલો જમના ચલ જી। ફૂલબાગ ઓર નૂરબાગ ફૂલબાગ રંગમહલ ની પશ્ચિમ દિશામાં આવેલો છે। તેની લંબાઈ 1500 મંદિર અને પહોળાઈ 1500 મંદિર। પરિક્રમા રસ ની બાજુમાં આવેલો છે। તેની નીચે 1500 મંદિર લાંબો અને પહોળો નૂરબાગ આવેલો છે। ફૂલબાગ માં 4,500 સહબચ્ચા આવેલા છે। ફૂલબાગ 50 હાંસ નો આવેલો છે। ફૂલબાગ માં 100 મોટા બગીચા આવેલા છે। ફૂલબાગ માં એક બગીચા માં 16 બગીચા આવેલા છે। નૂરબાગ નો એક મોટો બગીચો 150 મંદિર લાંબો અને પહોળો છે। નૂરબાગ માં 220 ફૂલો આવેલા છે। નૂરબાગ માં ભીલભાઈ ની શોભા આવેલી છે। લાલ ચબૂતરો રંગ મહલ ની ઉત્તર દિશામાં વાયવ્ય ખૂણા ની ઈશાન ખૂણા સુધી 50 હાંસમાં આવેલો છે। એમાં 40 હાંસમાં 1200 મંદિર લાંબો અને 1 હાંસ અથવા 30 મંદિરનો પહોળો લાલ ચબૂતરો આવેલો છે। તેની ઉપર રંગબેરંગી ગીલમ બિછાવેલ છે। આસે આસે સિંહાસન અને બંને બાજુ ખુરશી આવેલ છે। એક હાંસમાં 60,000 ખુરશી તો 40 હાંસમાં 2,40,000 ખુરશી આવેલી છે। રંગમહોલના 1200 મંદિરમાં ઝરોખા નથી, ત્યાં લાલ ચબૂતરો જ એક ઝરોખો બની ગયો। એક મંદિરમાં 3 દરવાજા તો 1200 મંદિરમાં 3,600 દરવાજા છે અને 41 બુર્જ આવેલા છે। આવશ્યક્યો। હવે આપણે તાળવરની પરિક્રમા કરીએ। રંગમહલની ઉત્તર દિશામાં એટલે કે ઈશાન ખૂણા બાજુ 10 હાથમાં 300 મંદિર પહોળું અને 17 હાથ અથવા 510 મંદિર લાંબુ આવેલું છે। તાળવણ આડી ઊભી નહેરો પડવાથી બગીચા છૂટા પડ્યા, તેથી 170 બગીચા બન્યા। તેમાં એક બગીચાની જગ્યા ખડકલી છે, તેથી તેમાં 169 બગીચા છે। હવે શક્ય આપણે બડોવન, મધુવન અને મહાવનની પરિક્રમા કરીએ। લાલ ચબૂતરાની સામે બડોવન 41 વૃક્ષની 41 હાથ છે, તેમાં 40 અખાડાની 40 હાથ છે, તો 1,600 અખાડા આવેલા છે। તેમાં અનેક રંગોની રેતી બિછાવેલ છે। વડોવનની ઊંચાઈ 250 ફૂમ અથવા 1,00,000 કોસ છે। મધુવનની ઊંચાઈ 500 ફૂમ અથવા 2,00,000 કોસ છે। મહાવનની ઊંચાઈ 1,000 ફૂમ અથવા 4,00,000 કોસ છે। વધ ખાતમના અંધારિયામાં બડોવનની
મહાવરની ચરણી ઉપર આપણે થઈએ છીએ. પ્રણામજી. આવો શક્યો प्यारी रहने सकी जी, इस बगीचे में आकर अपने भाव रूपी फूलों की खुशबू बिखेरे. प्रणाम जी सुंदर साथ जी, सभी सुंदर साथ जी के चरणों में मेरा सादर प्रणाम. सुंदर साथ जी, अभी हमने रंग महल के चारों तरफ आए जो बाग बगीचे हैं उनकी शोभा का वर्णन सुना. अब एक भजन के माध्यम से इसी शोभा को हम देखते हैं जो कि चारों तरफ रंग महल के जो बाग बगीचे आए हैं उन बगीचों को हम भजनों के माध्यम से देखते हैं. वैसे मुझे गाना आता नहीं है लेकिन मैं थोड़ा बहुत प्रयास कर रही हूँ. राजी ने उपजाया तो राजी ही इसको पूरा कराएंगे. तो आइए शुरू करते हैं भजन. बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय. बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय. नूर नूर के रंग बिरंगे बागों में है खेल धनी. नूर नूर के रंग बिरंगे बागों में है खेल धनी. श्यामा जी भी संग में खेली लेकर के रूहे अपनी. नूर नूर के रंग बिरंगे बागों में है खेल धनी. श्यामा जी भी संग में खेली लेकर के रूहे अपनी. नूर नूर के रंग बिरंगे कुंज निकुंज में रंग बिरंगे फूलन की बहारी है. कुंज निकुंज में रंग बिरंगे फूलन की बहारी है. दूर दूर तक महकी महकी शीतल मस्त प्यारी है. दूर दूर तक महकी महकी शीतल मस्त प्यारी है. फूलों के मंदिर से जाए और फूलों का सिंगार है. दूरी दूरी के रंग बिरंगे बागों में है खेल धनी. दूर दूर के रंग बिरंगे वट पीपल के ऊंचे दरखत चार भुव ऊंचे गए. वट पीपल के ऊंचे दरखत चार भुव ऊंचे गए. चांदनी पर है चेह बच्चे जो शोभाई शोभाली. चांदनी पर है चेह बच्चे जो शोभाई शोभाली. इत थे चौथी भौम निरत की देखे रूहों के संग में. चूर नूर के रंग बिरंगे बागों में है खेल धनी. नूर नूर के रंग बिरंगे
फूल और नूर के बागों में है, फूलों की दरखत डालिया, फूल और नूर के बागों में है, फूलों की दरखत डालिया, एक एक फूल में रंग अनेकों देखत होए खुशहालिया, एक एक फूल में रंग अनेकों देखत होए खुशहालिया, बैठन के कई चौक बने और बैठी निज घर वालियां, दूर दूर के रंग बिरंगे बागों में खेल धनी नूर, ताड़ बन के ऊंचे डोले झूले न झूले धाम धनी, ताड़ बन के ऊंचे डोले झूले न झूले धाम धनी, बड़ो बन मधुबन और माँ बन में संग रूहों की चले धनी, पियो प्यारे अब आ बैठे हैं श्री पुखराज की चांदनी, नूर नूर के रंग बिरंगे बागों में खेल धनी, नूर नूर के रंग बिरंगे, नूर नूर के रंग बिरंगे, नूर नूर के रंग बोलिए, श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। अब मैं अपनी प्यारी सखी शिल्पा जी को अनुरोध करूंगी कि वह आकर इस बगीचे में आकर अपने भाव रूपी फूलों की सुगंध बिखेरे। प्रणाम जी। प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सद्गुरु महाराज की जय। सबसे पहले मैं अपने सद्गुरु महाराज जी के चरणों में होटानकोट प्रणाम करूंगी, जिन्होंने मुझे राज्य का मार्गदर्शन करवाया, और आप सब सुंदर साथ प्यारे सुंदर साथ जी को हृदय से प्रणाम जी, जिन्होंने इस राह में मेरा हाथ थामे रखा। आइए सुंदर साथ जी आगे बढ़ते हैं। प्यारे सुंदर साथ जी, श्री परम धाम कोई काल्पनिक जगत नहीं है, ये सचिदानंद परब्रह्म का दिव्य अनादि परम धाम है, जिसे ग्रंथों में अर्शे अजीम कहा गया है। इस परम धाम का कण कण सचिदानंद स्वरूप है, महल बगीचे वृक्ष जल आदि सभी इश्क के स्वरूप हैं, ये अनादि अखंड अविनाशी है तथा परब्रह्म के ही स्वरूप है। यहाँ की प्रत्येक वस्तु में मुख्य रूप से चार गुण पाए जाते हैं, स्वप्रकाशित चेतनता सुगंधी कोमलता। इस दिव्य परम धाम में परब्रह्म युगल स्वरूप युगल किशोर स्वरूप में विराजमान है। श्री महामते कहें ए मोमिनो, ए सुख अपने अर्श के एक पलक छोड़े नहीं, भला चाहे आपको जे
आइए सुंदर साथ जी, आज हम रंग महल और श्री रंग महल की नजदीकी परिक्रमा में आए बगीचों में रमण और वहां पर हम क्या क्या रामते करते हैं उनकी शोभा में डूबते हैं। परमधाम के ठीक मध्य में अनेक रंगों की तेजों में झलकार से युक्त नौ भौम ऊंचा रंग महल विद्यमान है, जिसके प्रत्येक भौम अनेक प्रकार के सुख विलास के साधनों से भरपूर है। प्रत्येक भौम में पंच मॉल के बाद सुंदर 28 मंदिर की फुलवारी आई है, जिसमें हम राज श्यामा जी के साथ बैठकर हास्य विनोद करते हैं। आओ प्यारी ज्योति सखी, इस बगीचे में आकर अपने भाव रूपी फूलों की खुशबू बिखेरे। रंग महल की दसवीं चांदनी में मध्य में नौ चौक वो फुलबाड़ी की जगह में 200 हाँस का कमर भर ऊंचा गोल चबूतरा सुशोभित है, जिसके चारों दिशाओं के मध्य में तीन तीन सीढ़ियाँ उतरी हैं। बाकी जगह में चबूतरे की किनार पर सुंदर रत्न जड़ित कठेड़ा है। चबूतरे के चारों तरफ चांदनी में प्रत्येक हवेली के जगह में बगीचे सुवायमान हैं। पंचमहलों की जगह में मेवों या फलों के बगीचे हैं। गोल हवेलियों की जगह में रंग बिरंगे घास के मैदान हैं। चौरस हवेलियों की जगह में रंग बिरंगे खुशबूदार फूलों के बगीचे हैं। पूर्णिमा के दिन जब श्री राज श्यामा जी व सखियाँ दोपहर 3 बजे यहाँ पधारते हैं, तब फूलों व घास के बगीचों में नहरों व चहे बच्चों के मध्य अनेक प्रकार से खेल रामते करते हैं, दौड़ते हैं, अनेक प्रकार के फलों को तोड़कर खाते हैं। परंतु यहाँ के बगीचों की यह विशेषता है कि यहाँ फल फूल जो भी चाहिए तोड़ सकते हैं, किंतु पुनः देखने पर वह फल फूल पत्ते वैसे के वैसे लगे हुए मिलते हैं। इस प्रकार पूनम की मध्य रात 12 बजे तक अनेक प्रकार से हास विलास करने के बाद पांचवी भौम में शयन के लिए पधारते हैं। आइए सुंदर साथ जी, अब हम रंग महल के पूर्व दिशा के सात बन में चलते हैं। रंग महल की पूर्व दिशा में 2000 मंदिर के लंबे वो 3500 मंदिर के चौड़े सात बन केल लिबोई अनार अमृत जाम्बू नारंगी व बट के बन आए हैं। सभी बनों में 500 मंदिर के लंबे चौड़े चार चार बगीचे हैं। प्रत्येक बगीचे की चारों दिशा में नहरे वो चारों कोनों में चहे बच्चे हैं। इन बगीचों में हीरे से भी कोट गुना चमकदार रेती बिछी है। दो दो मंदिर की दूरी पर दोरी बंद रूप से वृक्ष सुशोभित है। इन वृक्षों के बीच में अखरोट अंजीर अंगूर आदि अनेक प्रकार के अनेक स्वाद के वृक्ष भी विद्यमान हैं। इन वनों में तले व ऊपर की भौमों में
अनेक जाति के अनेक रंगों के सुंदर पशु पक्षी झुंड के झुंड घूमते नजर आते हैं। इश्क की मस्ती में डूबे दिन रात पिया पिया धनी धनी कहते रहते हैं, धनी का गुणगान करते रहते हैं। इनकी मधुर वाणी से वन गुंजेमान होता रहता है। इन वनों में श्री राज श्यामा जी एवं सखियां अनेक प्रकार से खेल रामते व हंस बिलास करते हैं। कभी बगीचों या चबूतरों में बैठकर प्रेममयी वार्तालाप करते हैं तो कभी डारियों में लटक कर झूलते हैं। श्री राज जी महाराज ताली मारकर कहते हैं कि सखियों मुझे छूकर दिखाओ। तब श्री राज जी को पकड़ने के लिए सारी सखियां भागती हैं और बहुत हंसी होती है। इस प्रकार खेलते ही दिन गुजर जाता है। आइए सुंदर साज जी, अब हम चलते हैं बट पीपल की चौकी की तरफ जो रंग महल की दक्षिण दिशा में है। रंग महल की दक्षिण दिशा में 1500 मंदिर की लंबी वो 500 मंदिर की चौड़ी बट पीपल की चौकी सोवायमान है, जिसमें 15 चौकों या बगीचों की 5 हारे हैं। कुल 75 बगीचे हैं। चबूतरे के मध्य में एक वृक्ष विद्यमान है। सभी चौकों में क्रमशः बट तथा पीपल के वृक्ष आते गए हैं। ये वृक्ष अनेक रंगों व नंगों के चित्रकारी व नस्ककारी से युक्त हैं, जिससे बेसुमार तेजमयी किरणें निकल रही हैं। इन वृक्षों की डालियां सुंदर मेहराबों के रूप में आपस में मिली हुई है। फल फूल पत्तों की ही सुंदर चंद्रवा के समान छत बन गई है। इन मेहराब के मध्य में सुंदर हिंडोलें लटक रहे हैं। श्री राज श्यामा जी एवं सखियां इन हिंडोलों में बैठकर नहरों के ऊपर झूलने का आनंद लेते हैं। 4 हिंडोलों की ताली चहे बच्चों के ऊपर पड़ती है। चहे बच्चों पर आकर राज जी हम सखियां पे अपने पैरों से जल उछालते हैं। उस चरणामृत को ग्रहण कर हम सब सखियां धन्य धन्य हो जाते हैं। झूलते समय हिंडोलों के कड़े व जंजीरों की आवाज़ से, सखियों के आभूषणों व हंसी की आवाज़ से तथा राज श्यामा जी के सुंदर स्वरूप की झलकार से यह वन अत्यंत सुवायमान हो रहा है। बट पीपल की चौकी की चारों भूमों में अनेक प्रकार के सुंदर पशु पक्षी रहते हैं, जो मधुर वाणी गाकर खेलकर अनेक प्रकार से श्री राज श्यामा जी व सखियों को रिझाते वह हंसाते हैं। अब आओ प्यारी शिल्पा सखी, इस बगीचे में आकर अपने भाव रूपी फूलों की खुशबू बिखेरें और फूल बाग की तरफ हम सबको ले जाएं।
सखियों, अभी आपने ज्योति सखी के साथ दसवीं आकाशी पूर्व दिशा और दक्षिण दिशा में आए बगीचों में रमण किया। अब हम सब मिलकर पश्चिम दिशा के बगीचों में घूमने चलते हैं। श्री रंग महल के पश्चिम दिशा में 50 हास के सामने धाम चबूतरे से लगता हुआ नूर बाग के ऊपर फूल बाग शोभायमान है, जो 1500 मंदिर का लंबा चौड़ा है। इसके चारों कोनों में रंग महल के समान ही 4 16 हास के चैबच्चे विद्यमान हैं, जिनमें से 2 रंग महल भी गिने जाते हैं। जब फूल बाग में श्री राज श्यामा जी एवं सब सखियां आते हैं, तो फूलों के बगीचों के मध्य घूमते हुए शीतल भीनी भीनी खुशबू का आनंद लेते हैं। कभी फूलों के पौधों वे चारों तरफ उछलते फव्वारों के मध्य बैठकर प्रेम में बातें वे हास्य विनोद करते हैं। फूलबाग के सामने उत्तर दक्षिण व पश्चिम में बड़ो वन के वृक्षों की 5 हारे आई हैं। ये ऊंचे ऊंचे वृक्ष बहुत ही सुंदर हैं और उनमें हिंडोले लटक रहे हैं, जिनमें श्री राज श्यामा जी एवं सखियां झूला झूलती हैं। शैया से युक्त हिंडोलों में कोई सखी शयन करते हुए झूला झूलती है, तो कोई सिंहासन हिंडोले पर बैठे बैठे झूला झूलती है। कई हिंडोलों में 2-2 सखियां साथ साथ झूला झूलती हैं, जिनमें से एक सखी खड़े होकर और दूसरी बैठकर झूला झूलती है। इस समय युगल स्वरूप के साथ सखियां इन जगमगाते हुए हिंडोलों में झूलती हैं। उस समय की अनुपम शोभा का वर्णन इन मुख से नहीं किया जा सकता। फूलबाग के नीचे नूरबाग है, जिसकी सारी शोभा फूलबाग के समान ही है। नूरबाग में आने के लिए 10 सीढ़ियां रंग महल के भारी हार मंदिरों में से उतरी है। जब युगल स्वरूप के साथ सखियां नूरबाग में घूमने के लिए आती हैं, तो इन्हीं सीढ़ियों से वे बागों में उतरा करती हैं। नूरबाग में 66,176 नूर के थम हैं, इस कारण इसे नूरबाग कहा जाता है। जब श्री राजी व सखियां इन 10 खिड़कियों से नूरबाग में आते हैं, तब रंग बिरंगे सुंदर फूलों के बगीचे के मध्य विचरण करते हुए या मध्य के चौक चबूतरों में बैठकर शीतल सुगंधित वायु का आनंद लेते हुए हास्य विलास करते हैं। घूमते समय सुंदर स्वरूप श्री राज श्यामा जी व सखियों के वस्त्र आभूषण जगमगाते हुए सुशोभित होते हैं। नूरबाग के पश्चिम में मंदिर का लंबा चौड़ा अनवन है, जो फूलबाग नूरबाग के समान ही है। अंतर केवल इतना ही है, यहाँ के बगीचों में फूलों के वृक्षों की जगह अनेक प्रकार के अन्न मेवे फल शाक तरकारी आदि के खेत लहरा रहे हैं। प्रत्येक बड़े बगीचे के मध्य में जो 9 छोटे चैबच्चे हैं, उनमें से मध्य के चैबच्चे के ऊपर यहाँ 4 थंब पर एक द्योरी सुशोभित हो रही है। यहाँ हम अनेक प्रकार की रामते करते हैं और नहर के जल में झीलना भी करते हैं। अनवन के पश्चिम में 1500 मंदिर का लंबा चौड़ा धूप दुलीचा, जिसकी शोभा फूलबाग के समान है, किंतु बगीचों में अनेक रंगों की घास है, जो अनेक प्रकार की चित्रकारी से युक्त गिलम के समान सुशोभित हो रही है, इसलिए इसका नाम धूप दुलीचा है। यहाँ प्रत्येक बड़े बगीचे के मध्य जो 9 छोटे चैबच्चे हैं, उनमें से चारों कोनों के चारों चैबच्चों पर 4 द्योरिया शोभायमान है। जगह जगह बैठने के वास्ते अनेक प्रकार की कुर्सियां विद्यमान है, जहां हम
राज जी और श्यामा जी के साथ नृत्य की लीला करते हैं, जहां राज जी हर एक सखी के साथ नृत्य करते हैं। बहुत ही आनंद आता है। आइए सुंदर साथ जी, अब हम उत्तर दिशा में चलते हैं। श्री रंग महल की उत्तर दिशा में धाम चबूतरे से लगता हुआ लाल चबूतरा है, जिसके सामने बड़ोवन के 41 वृक्षों की 41 हारे आई हैं। बड़ोवन के वृक्ष बहुत ही लंबे हैं और 10वीं चांदनी की ऊंचाई तक गए हैं, जिस पर 10 भूम ऊंचे हिंडोले हैं, जिस पर राजी श्यामा जी और हम सब सखियां बैठकर नीचे पशु पक्षी द्वारा होती लीलाओं का आनंद लेती हैं। रंग महल की उत्तर दिशा में लाल चबूतरे के पूर्व में 300 मंदिर का चौड़ा तथा 510 मंदिर का लंबा ताड़ वन है, जिसमें कुल 170 बगीचे होते हैं, किंतु खड़ोखली ने एक बगीचे की जगह ले ली है, जिससे एक बगीचा कम हो गया है। चारों दिशाओं के मध्य की नहरों के पुल के दोनों तरफ के वृक्षों के मध्य की मेहराब में 10 भूम ऊंचे हिंडोले हैं, जिन पर सखियां नहरों पर झूलने का आनंद लेती हैं। चारों तरफ से हिंडोले आते हैं और चैबच्चे के ऊपर चारों सखियां ताली देती हैं। ताड़ के वृक्षों के मध्य में जो 29 वृक्षों की 29 हारे हैं, वे अनेक प्रकार की फलों के वृक्षों की हैं, जिनकी 10 भूमे हैं, जो रंग महल की भूमों के समान ही हैं। इनके प्रत्येक भूमों में डालियों के मेहराबों में हिंडोले लटक रहे हैं। ताड़वन की चांदनी, रंग महल की चांदनी तथा बड़ोवन की चांदनी तीनों आपस में मिली हुई है। हर वन की चांदनी पर श्री राज जी अपनी अंगना को सन्मुख करके अपने नेत्रों से उनके हृदय में जो प्रेम का रस उड़ेलते हैं, उस शब्दातीत सुख का वर्णन करना कदापि संभव नहीं है। उस अपार आनंद का रस मात्र उन सखियों को ही मालूम है, जिसके हृदय में प्रभावित होता है। जब कोई सखी कहीं दूर बैठी होती है, तो धाम धनी उन्हें बुलाकर बहुत प्रेम पूर्वक अपने पास बिठाते हैं। धनी की अथाह प्रेम में डुबकी लगाने वाले इन ब्रह्म सृष्टियों के सुख का मैं कैसे वर्णन करूं। हक हादी रूहे आप में मीठी बातें करत, जब देख खेल खिलौने रीजत, ए अति सुख पावत तब। निज धाम के इन वृक्षों की न्यूरी ज्योति अनंत है। इन जगमगाते हुए वृक्षों की डालियों एवं पत्तों से इतना तेज निकल रहा होता है कि वह आकाश में भी समा नहीं। हर जगह श्री राज जी, श्यामा जी एवं सखियों के लाडले पशु पक्षी रहते हैं। जब श्री राज श्यामा जी एवं सखियां इन स्थानों पर आते हैं, तो ये पशु पक्षी आनंद में विभोर होकर बड़े प्रेम से स्वागत एवं सेवा करते हैं। श्री परम धाम में वृक्ष में एक पत्ते में ही इतनी ज्योति है कि उससे धरती से लेकर आकाश तक प्रकाश ही प्रकाश फैल जाता है। हे प्रियतम, वह दिन कब आएंगे जब आप हमें परम धाम के इन बगीचों में होने वाली प्रेममय लीलाओं का सुख देंगे। इश्क है तीत सदा अखंड, नाही दुनिया बीच ब्रह्मांड, और इश्क का नहीं निमूना, दूजा उपजे ना होवे जूना, दूजा उपजे ना होवे जूना। प्रणाम जी। आओ प्यारी अंजू भगत सखी जी, इस बगीचे में आकर अपने भाव रूपी फूलों की खुशबू बिखेरे।
प्रणाम जी सुंदर साथ जी। अब मैं आपके सामने कुछ प्रश्न लाई हूँ, आप उनके उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है, मैं रंग महल के अंदर और बाहर भी हूँ, रंग बिरंगा और खुशबूदार भी हूँ, मेहराबे भी हैं मैंने पाई, बताओ तो मेरी शोभा कहाँ कहाँ है आई। मैं रंग महल के अंदर और बाहर भी हूँ, रंग बिरंगा और खुशबूदार भी हूँ, मेहराबे भी हैं मैंने पाई, बताओ तो मेरी शोभा कहाँ कहाँ है आई। सुंदर साथ जी, अपने हैंड रेज करके प्रश्न का उत्तर दीजिए। प्रणाम जी। 28 मंदिर की फुलवारी पंचमहल के बाद। हाँ जी, और कहाँ कहाँ? ये तो 28 मंदिर की फुलवारी प्रथम मोम से लेके और दसवीं मोम तक आई है। नहीं, इसमें मतलब सारे बगीचों का वर्णन है ना, कि अंदर और बाहर भी हूँ। हाँ जी, बगीचे और मेरी शोभा कहाँ कहाँ आई है, कहाँ कहाँ आई है। फूलबाग, नूरबाग और सातवन और हाँ जी बट पीपल की चौकी हो गई, बट पीपल की चौकी हो गई, ताड़वन, ताड़वन हो गया, ताड़वन। हाँ जी, हाँ जी। ठीक, प्रणाम जी, प्रणाम। और दूसरा प्रश्न, रिक्त स्थान है, इन आगे मैदान है, फिर डैश करे नजर, सो बाग तले सो ऊपर, शोभा सुनते हो जाए फजर। इन आगे मैदान है, फिर डैश करे नजर, सो बाग तले सो ऊपर, शोभा सुनते हो जाए फजर। हां जी, कुसुम आंटी। इन आगे खुला मैदान है, खुला नहीं, इन आगे मैदान है, फिर डैश करे नजर। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, सभी साथ के चरणों में मैं प्रेम। आगे मैदान है, फिर ऊपर करे नजर, सो बाग तले सो ऊपर, शोभा सुनते हो जाए। मतलब यहाँ फिर कहाँ नजर करे वो आप बताइए ना, कहाँ नजर करे, सो बाग तले सो ऊपर, ऊपर नजर करे। नहीं, इन आगे मैदान है, फिर डैश मतलब उस जगह का नाम आप बताइए, फिर डैश करे नजर। जी बबीता दीदी। दीदी मेरा भी यही था, फिर ऊपर करे नजर। हाँ जी, गायत्री जी। मुझे तो ऐसा लग रहा है फूलबाग। हाँ जी ठीक है, फूलबाग। इन आगे मैदान है, फिर फूलबाग करे नजर, सो बाग तले सो ऊपर, उसके सो बाग नीचे है, सो ऊपर फूलबाग में है, शोभा सुनते हो जाए फजर। अंजू दीदी, अंजू दीदी, एक बार आप अपना ईयरफोन हटा के बोलिए, थोड़ी सी डिस्टर्बेंस आ रही ना, बिल्कुल क्लियर आया। अब ठीक है? हाँ जी परफेक्ट, बिल्कुल। तीसरा क्वेश्चन है मेरा, श्री फूल बाग के तीन तरफ एक मंदिर की जगह में क्या आया है? हाँ जी सुषमा दीदी, प्रणाम जी। नाम एक मंदिर का छज्जा तीन तरफ आया है। हाँ जी ठीक है। मेरा अगला क्वेश्चन है, इन आगू लाल चबूतरे कौन क्यों कहूं बन विस्तार, खेल पशु पंखियों को जुबा कहे जो होवे कहूं पार, इस चौपाई में कौन से वन की बात हो रही है? हाँ जी अनीता दीदी, प्रणाम जी। जी प्रणाम जी, बड़ो वन की बात हो रही है। ठीक है, मेरा अगला क्वेश्चन है,
प्रथम भूमि में जहाँ पर नीचे चौरस गोल हवेलियां और पंच महल आए हैं, आकाशी में वहां माँ क्या शोभा आई है? विजय आंटी प्रणाम जी। प्रणाम जी। जो नीचे जहाँ पर गोल और चौरस हवेलियां पंच मोल हवेलियों के बारे में इन्होंने पूछा है, ऊपर आकाशी पर जो है हमारे पंच मोलों की जगह पर मेवे के वृक्ष आए हैं, वहां जहाँ गोल हवेलियां आई हैं वहां घास के हैं, और जहाँ चौरस है वहां फूलों की शोभा है, फूलों के बगीचे आए हैं, और जहाँ त्रिपोलिये हैं वहां नहरों की शोभा आई। हाँ जी ठीक है सुंदर साहब जी। अब मैंने एक बगीचे पर कुछ लाइनें लिखी हैं, वो मैं आपको सुनाती हूँ, और ये कविता हमारी पूरी बगीचे टीम की तरफ से है। हम हैं रंग बिरंगे और खुशबूदार, मेहराबे भी हैं हमें अपार, रंग महल के अंदर भी हम आए और चारों तरफ भी हम छाए, फल और फूलों से भरे मेवे भी हैं हमें जड़े, राजी और सत्या जब यहाँ आए हम और भी मद मस्त हो जाए, राजी और सखियाँ जब यहाँ आए हम और भी मद मस्त हो जाए, झूमे नाचे और लहराए राजी पे बलिहारी जाए, हिंडोले भी हैं हमने आए जिस पर झूलकर सब आनंद पाए, नहरों और चह बच्चों को पाकर ठंडी ठंडी हवा फैला, सखियों हम बगीचे कहला, सखियों हम बगीचे कहला। प्रणाम जी सुंदर साजी। आओ प्यारी कुसुम सखी, इस बगीचे में आकर अपने भाव रूपी फूलों की खुशबू बिखेरे। हाँ जी प्रणाम जी। हाँ जी प्रणाम जी, आवाज आ रही है? हाँ जी। अच्छा ठीक है। हाँ, झूला झूलते समय नजरों से नजरें मिलाने की जो हमने लीला की थी, तब मन में सोच रहे हैं पिया आपके नूरी नजरों में, नजरों के नूरी नजारों को देखने के लिए ही तो आज नेत्र साथ दिखाई देते हैं, जिन नजरों की तिरछी चितवन से मुस्कुराकर जिस रूह को आप देख लेते हो, उसे विरह व इश्क में रात दिन तड़पाते हो, दो चार प्रेममयी भावों द्वारा बगीचा टीम पिया को रिझाना चाहती है, वो सुना रही हूँ मैं। मेरी अर्सी हजूर तेरी नजरों का नूर, हम चाहे देखना, हम चाहे देखना, मेरी अर्सी हजूर तेरी नजरों का नूर, हम चाहे देखना, हम चाहे देखना, कैसा इश्क जहूर जिसका इतना सरूर, हम चाहे देखना, हम चाहे देखना, कभी बन बन मधुबन के झूलों में पिया संग्रमण करे, पिया संग्रमण करे, कभी बड़ो बन मधुबन के झूलों में पिया संग्रमण करें, पिया संग्रमण करें, कभी फूल बागी और नूर बागी में पिया संग बिहार करें, पिया संग बिहार करें,
सुखी सुगंधिया पार शीतल मस्त बयार हम झूमा करें हम झूमा करें मेरी अर्सी हजूर तेरी नजरों का नूर हम चाहे देखना हम चाहे देखना कुंज बन की रेती में सखिया पिया संग रमण करें पिया संग रमण करें कभी राजा आगे कभी सैया आगे पकड़म पकड़ा खेला करें पकड़म पकड़ा खेला करें कभी फूलन के हार सैया आए लेके प्यार हम पहना करें हम पहना करें मेरी अर्सी हजूर तेरी नजरों का नूर हम चाहे देखना परम धाम की सातों परिक्रमा के सुख जो कहे परम धाम की सातों परिक्रमा के सुख जो कहे उनमें ये दिन रात सैया पिया संग रमण करें पिया संग रमण करें अपना घर नीचे धाम प्यारे श्यामा बर श्याम हम चाहे देखना हम चाहे देखना मेरी अर्सी हजूर तेरी नजरों का नूर हम चाहे देखना हम चाहे देखना कैसा इश्क जहूर जिसका इतना सरूर हम चाहे देखना हम चाहे देखना प्रणाम जी सभी सुंदर साथ को प्रणाम जी आप ज्योति ज्योति सखी सामने आएंगी और सब मिलकर हम प्रणाम करेंगे राजी को हाँ ज्योति जी आइए थैंक यू सो मच टू माय ऑल ब्यूटीफुल सखियां ऑफ बगीचे टीम टुडे द वजन सेवा वाज प्रोवाइडेड बाय रेनु मोंगा जी एंड कुसुम अग्रवाल जी चौपाई सेवा वाज बाय कुसुम अग्रवाल जी नोट सेवा बाय अंजू कोराड जी क्वेश्चन आंसर सेवा बाय अंजू भगत जी पिक्चर सेवा बाय शिल्पा जुनेजा जी और प्रेजेंटेशन सेवा बाय ज्योति संजेल जी एट लास्ट आई वुड लाइक टू प्रेजेंट फ्यू वर्ड्स फ्रॉम माय एंड इन कंक्लूजन श्री राजजी सेज टू अस माय लव फॉर यू इज लाइक अ गार्डन श्री राजजी सेज टू अस माय लव फॉर यू इज लाइक अ गार्डन filled with so many colors and flowers filled with so many colors and flowers my love for you is like a sky my love for you is like a sky it is so vast and so high it is so vast and so high my love for you is like a sea my love for you is like a sea it is so deep and for you to see it is so deep and for you to see so many things I told you So many things I told you. Now it's your turn to show. Now it's your turn to show that you truly love me. I'm waiting to know. I'm waiting to know. Prem Pranam Sundar Saad Ji. Aap sab paramdham ki laadliyon ke. Sonia Ji, can you unmute all the team members? आप सब परमधाम की लाडली कुसुम जी इज स्टिल नॉट म्यूट कुसुम जी को अभी आवाज आ रही है बगीचे रूप परमधाम की लाडलियों के
बगीचे रूपी तन में फूल रूपी हृदय में विराजमान श्री युगल स्वरूप हमारे प्यारे राजी श्यामा जी के चरण कमल में दंडवत प्रेम प्रणाम जी। प्रणाम प्रेम प्रणाम जी। अरे आज तो मेरा कुछ भी नहीं आया, फोटो भी नहीं आई। प्रणाम जी प्रणाम। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, इतनी प्यारी प्रेजेंटेशन कि मुझे नहीं लगता एक पलक भी किसी ने झपकी होगी। बहुत ही जरूरी होगा तो झपकी होगी, नहीं तो हम तो स्क्रीन पे देखते जा रहे थे और सुनते जा रहे थे, पता ही नहीं लग रहा था। और मुझे पता है क्या लगा आज कि आप सभी अलग अलग फूलों के रंगों में शायद आए होंगे, और ना उसमें लाल रंग का फूल शायद मिसिंग होगा तो मैंने रेड कलर पहन लिया साथ में। और अभी मैंने नोटिस किया कि रेड कलर का फूल कोई भी सखी सच में नहीं पहन के आई हुई। और आपने मैंने जो जो नोटिस किया ना, सबसे पहले आउटर अपीयरेंस की बात करते हैं। ज्योति जी ने अपने पीछे बैकग्राउंड में कितनी प्यारी बगीचों की जो उन्होंने लगाई हुई है, स्पेशल प्रेजेंटेशन इसको बोलते हैं, जो प्रेजेंट किया वो तो है ही, पर बैकग्राउंड में आप देखिए पेस्टेड वेरी ब्यूटिफुली। शिल्पा जी उन्होंने राजजी को फूलों से सजाया हुआ है। और मैं एक मिनट साथ साथ ना स्पॉटलाइट करती हूँ आपको ढूंढ, मैंने देखा सुंदर साथ ढूंढ रहे हैं। हाँ जी देखिए ज्योति जी के पीछे कितनी प्यारी ग्रीनरी और कितने सुंदर बगीचों की शोभा, अति 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 सुंदर, बहुत प्यारा। और ज्योति जी मैं आपसे ये भी रिक्वेस्ट करूंगी, आपने जो अभी अभी बहुत सुंदर पोयम बनाई है वो लिखकर भी भेजिए, ग्रुप में भी डालिए, और इफ यू डोंट माइंड छपने के लिए हम भेजेंगे इनको। एंट्रीज सिलेक्ट की जा रही हैं, उनको छपने के लिए पत्रिकाओं में भी भेजा जाएगा। हम सब सुंदर साथ की तरफ से ये बहुत प्यारी सेवा होगी। हाँ जी अब हम चलते हैं शिल्पा जी की तरफ, ये देखिए एक बार। हाँ जी शिल्पा जी की आप बैकग्राउंड देखिएगा एक बार जी, मुझे थोड़ा सा समय लग रहा है बस। हाँ जी ये देखिए, हाँ जी राजी को कितने प्यारे फूलों से और अपनी चुनरी के जांबू रंग से भी उन्होंने वो फ्लावर्स भी लगाए हुए हैं पीछे, अति सुंदर। और शिल्पा थोड़ा सा झलकता हुआ मैंने आपकी उंगलियों में बहुत प्यारे फ्लावर देखे, वो सुंदर साथ को जरूर दिखाइए ऐसे करके। अरे वाह ये देखिए कितना प्यारा श्रृंगार, बहुत सुंदर ऐसे लग रहा है बिल्कुल राजी का, कितने प्यारे फूल और बगीचे, आपके चरणों में कोटान कोट प्रणाम। और मुझे प्रॉप्स भी दिखाई दे रहे हैं पीछे, ये देखिए पत्तियां फूल पत्ते ग्रीन कलर के बहुत ही सुंदर, ये आपकी टीम में एक स्पेशलिटी रही, अति सुंदर अति सुंदर। हाँ जी अब हम चलते हैं नेक्स्ट हमारी कुसुम आंटी, कुसुम आंटी इतने प्यारे लग रहे थे एक मिनट। हाँ जी ये देखिए कितनी सुंदर ग्रीन और येलो कलर की जो उन्होंने साड़ी से उन बगीचों का अति सुंदर, और पीछे हमें राजजी के भी बहुत प्यारे दर्शन करवाए। और स्पेशली जो आपने पीछे फूल लगाया हुआ है ना वो दिखाइए बगीचे का, अरे वाह क्या बात है सुंदर साथ जी, अति सुंदर, आपके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी, बहुत प्यारा। अब हम चलते हैं रेनू दीदी, रेनू दीदी और अंजू दीदी। हाँ जी रेनू दीदी वो तो सबसे पहले इतने बड़े बड़े सुंदर पत्ते उनमें दिखाई दिए कि लगा कि हम बगीचे में ही बैठे हुए हैं। ये देखिए कितना सुंदर, मुझे ऐसे लग रहा था बंटू भैया और रेनू दीदी, एक मिनट अनम्यूट यहां से कैसे कर सकते हैं, साथ साथ ही करना चाहिए था, पर हम अभी पूरी टीम से बात करेंगे सुंदर साथ जी। हाँ जी मुझे ऐसे लगा दोनों फूल बाग के एक बगीचे में बैठकर ही तबला बजा रहे हैं और वहीं पे गायन हो रहा है, इतनी अच्छी फीलिंग आई। प्रणाम जी प्रणाम जी प्रणाम जी, इतना प्यारा भजन आपने कहा कि मुझे गाना नहीं आता,
अरे वाह, अभी तो आउटर एपियर तो बीच में गड़बड़ी हो गया, नहीं बोल पाई। नहीं नहीं, हम सब सुंदर साथ को पता ही नहीं लगा बैठे बैठे फूल बाग में, बहुत सुंदर। हाँ जी, तो अभी नेक्स्ट चलते हैं हम अंजू दीदी की तरफ। ये स्पेशलिटी बहुत प्यारी लगी पूरी पूरी टीम की, हर एक टीम ना कोई डिफरेंट, राज्जी ने सबको एक विशेषता प्रदान की हुई है। अंजू दीदी, हाँ जी अंजू दीदी है ना, हाँ जी अंजू दीदी है, ये देखिए। हाँ जी प्रणाम जी, अरे वाह अंजू दीदी इतने प्यारे लग रहे हैं, और आसपास देखिए कितना प्यारा उन्होंने गार्डन, कितना सुंदर ये सजाया हुआ है आज, अति सुंदर। बिल्कुल वैसी फीलिंग, ट्रू फीलिंग होती है ना, मतलब फ्रेश फ्रेश वाले पौधों के पास बैठे हुए। क्या ये आइडिया बहुत अच्छा था डियर टीम, बहुत सुंदर। प्रणाम जी, प्रणाम प्रणाम जी, और आपके आपके बूझो तो जाने ने तो सुंदर साथ जी का दिल ही अपने पास रख लिया। बूझो तो जाने इतनी प्यारी है कि सुंदर साथ के चेहरे खिल जाते हैं उनको देखकर, बहुत प्यारा। हाँ जी हाँ जी, अंजू कुरार जी के पास भी जा रहे हैं, इतनी इतनी क्यूट लग रही थी आज। हाँ जी अंजू जी, प्रणाम जी प्रणाम जी, ग्रीन कलर में बिल्कुल बगीचे जैसी खिली हुई, और ऊपर पिंक कलर का ऐसे लगा जैसे फ्लावर है, बहुत प्यारा। और कॉन्फिडेंस लेवल अंजू जी अमेजिंग, बहुत सुंदर, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुजराती में बोलवानी कोशिश करी, आज हमें गुजराती थी ने इतले, हमें गुजराती में सुन के बहुत अच्छा लगा। आज मैंने ना पूरी प्रेजेंटेशन के बारे में पूरे पॉइंट्स लिखे हैं मैंने इसमें, तो मैं उसमें वही लिख रही थी कि गुजराती में सुन के कितना अच्छा लगा अंजू जी का, बहुत प्यारा। हाँ जी प्रणाम जी प्रणाम जी, हाँ जी सुंदर साथ जी, सबसे पहले ज्योति जी आपकी प्रेजेंटेशन ऑसम, यदि टीम को अंक अंक इसमें है ही नहीं, इतने सुंदर सुंदर जो पिक्चर्स थे उसमें, जो मेहराबें बनाई हुई थी ताड़वन की, इतनी ऊंची ऊंची मेहराब। हाँ जी शिल्पा जी ने आपको पिक्चर्स भेजी जो आपने लिखा, आपने मिलकर वो ढूंढी और वो जो प्रेजेंटेशन बनाई ना, ऑसम। आई थिंक वी हैव गॉट अ टीम नाउ, तो ज्योति जी आपकी सेवाएं हमें बहुत बार चाहिए होती होंगी, आपको कांटेक्ट करेंगे इन सेवाओं के लिए। और एक बहुत सुंदर सरप्राइज जो ज्योति जी आज से तैयार करेंगी वो आपको कब मिलेगा, बिग डे वाले दिन, यानी कि गोष्ठी वाले दिन, ज्योति जी सरप्राइज। ओके हाँ जी बहुत सुंदर तैयार कर रहे हैं, प्रणाम जी प्रणाम जी। हाँ जी, तो इतना सुंदर प्रेजेंटेशन कि मुझे लगा कि सहयोगिता आपसे बनवानी चाहिए थी, इतना सुंदर आपने प्रेजेंटेशन किया, अति सुंदर। और आपका पहला वाला भजन ब्यूटीफुल, और मैं आपको एक और बात बताती हूँ सुंदर साथ जी, कल ऐसे आशा दीदी के साथ मेरा बहुत ज्यादा कांटेक्ट, बहुत ज्यादा नहीं, मैं उनसे मिली हूँ बहुत बार, पर पर्सनली कभी बहुत बात नहीं हुई आशा दीदी के साथ। पर कल रात को सोते सोते ऐसे ही मैं आशीष जी से बोल रही थी, और सोते हुए मुझे ऐसे लगा कि आशा दीदी से मैं बात कर रही हूँ। सुबह उठ के अचानक से एक पोस्ट देखी कि आज आशा दीदी का बर्थडे है। आई डिंट नो दैट कि वो मेरे दिल के इतनी करीब हैं, इतने करीब हैं कि मैं उनसे बात कर रही थी रात को अपने ख्याल में, और सुबह मैंने कमल भैया का मैसेज देखा कि आशा दीदी का आज बर्थडे है, और आज आपने आशा दीदी के इतने सारे भजन, इतने सारे किरंतन जो अपनी प्रेजेंटेशन में शामिल किए हुए थे, आप सब पूरी टीम के चरणों में कोटान कोट प्रणाम। यही सच्ची श्रद्धांजलि हमारे आशा दीदी के प्रति है कि जैसी सेवा उन्होंने समाज की है, एक बार भी वो पीछे नहीं हटे, माया को धकेल कर सेवा में पहुंचते रहे, हमें भी उनके नक्शे कदम पर चलना है, सतगुरु की सेवा के मामले में हमें भी उनसे सीखना है। हाँ जी सुंदर साथ जी, उसके बाद आई हमारी कुसुम जी,
फूल बाग का इतना सुंदर वर्णन और उन्होंने इतना प्यारा गायन भी किया, मुझे तो पता ही नहीं था कुसुम आंटी आप इतना प्यारा भाव से गाते भी हैं और इतने सुंदर विचार व्यक्त किए, बहुत 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 सुंदर, अति सुंदर। अंजू जी, गुजराती में हमारी आज तक की प्रेजेंटेशन में इट वॉज द फर्स्ट एंट्री जो कि आपने, कितने गट्स चाहिए होते हैं सुंदर साथ जी अलग भाषा में बोलने के लिए, बट शी डिड दैट। इतना आनंद आया और मुझे एक शब्द भी ऐसा नहीं लगा कि जो हमें समझ में ना आया हो। तो नेपाली सुंदर साथ, गुजराती सुंदर साथ, इंग्लिश में बोलने वाले, सिक्किम में रहने वाले सुंदर साथ, अपनी भाषा में कोई भी प्रेजेंटेशन दीजिए, राज्य का फूल बाग तो फूल बाग ही रहेगा हर भाषा में, है ना, तो वो हमें जरूर समझ में आ जाएगा। सुंदर साथ जी, चर्चनी के वर्ड्स हर भाषा में सेम ही रहेंगे, वो बदल नहीं सकते, तो हम सब सुंदर साथ के दिल में इंग्लिश में बोलते हैं तो कितने सुंदर वर्ड्स आते हैं, कि गुजराती में कितने प्यारे प्यारे वर्ड्स उन्होंने बताए, नेपाली में कितने सुंदर वर्ड, इसी बहाने हम अपने धनी की शोभा को अलग अलग भाषाओं से नए अंदाज से देखना शुरू करते हैं। आपके चरणों में इस स्पेशलिटी के लिए कोटान कोट प्रणाम जी। रेनू दीदी, भजन ऑसम, इतना सुंदर कि सुंदर साथ बंद के बैठ गए थे कि अभी ये चलता ही रहे और भैया बजाते रहे, बगीचे में बैठे रहे और हम वही रमन करते रहे और ये गायन चलता रहे, इतना प्यारा वो आपने भजन बोला। मुझे ऐसा लगता है कि आगे की प्रेजेंटेशंस में हमें रेनू दीदी के भजन चाहिए होंगे, इतना सुंदर। और बूझो तो जाने, आज मैं एक बात वैसे हमें बिग डे पे डिस्क्लोज करनी थी पर मैं वो आज आपको बता देती हूँ क्योंकि रेनू दीदी सामने बैठे हैं। सहयोगिता के बहुत सारे प्रश्नों की सेवा हमारे रेनू दीदी की तरफ से आई हुई थी, बहुत सुंदर प्रश्न रेनू दीदी, अति सुंदर। और बंटू भैया और मनन के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मनन के नक्शों के बिना ये कार्यक्रम अधूरा है, वो पीछे रहकर भी सबसे आगे हैं। आइए सुंदर साथ जी आगे चलते हैं क्योंकि मैं बोलूंगी तो रेनू दीदी के बारे में कभी फिनिश ही नहीं होगा। शिल्पा, आपने इतना सुंदर एक्सप्लेनेशन किया, आई कांट बिलीव इट, कि मेरी छोटी बहन और मेरी सोल सिस्टर इतना सुंदर, इतने कॉन्फिडेंस से, इतने प्यार से एक एक पॉइंट कैसे वो ज्योति जी और शिल्पा जी हमें लेके घुमाती चले गए और कैसे उन्होंने किस प्रकार इतनी सुंदरता से उसको लिखा। और साथ में ये नहीं कि केवल चर्चनी की शोभाएं थी, उनमें लीलाएं भी थी। और सुंदर साथ जी ने बहुत सारे, आप सब सुंदर साथ को बहुत सुंदर सुंदर आशीर्वाद भेजे, अभी भी क्यों रुके हैं, जिन्होंने नहीं दिए दीजिए। सुंदर साथ जी भर के वाइब्रेशंस, हीप्स ऑफ वाइब्रेशंस, आशीर्वाद और प्रेम भेजिए। अति सुंदर शिल्पा, स्पेशली ऐसे सुंदर साथ जो थोड़े साल पहले ही जुड़े हो और हम सबको पीछे छोड़ के आगे निकल जाएं, और खुशी होती है। यू आर वन ऑफ द एग्जांपल्स, आपने ये सेट किया है सुंदर साथ जी के लिए और अति सुंदर, स्पेशली टीम की सहयोगिता बहुत सुंदर रही आपस में, उसके लिए बहुत बहुत बधाई। मैनेज करने के लिए ज्योति जी, शिल्पा जी, आप सब सुंदर साथ जी को बहुत बहुत बधाई। हां जी, उसके बाद अंजू दीदी आपके बूझो तो जाने में मैं देखती रही, अरे स्क्रीन पे भी आ रहे हैं, दीदी भी बोल रही हैं, वाओ क्या मेहनत की हुई है कि वो बोल रहे हैं, उधर ज्योति जी स्क्रीन दिखाती जा रही हैं। ऐसा तो कभी बूझो तो जाने में हुआ ही नहीं आज तक कि हम बोले, मैं इधर ना मैंने देखा नहीं, मैं दूसरी तरफ ध्यान है कि म्यूट करना है इनको, अनम्यूट करना है, मुझे लगा स्क्रीन पे आया ही नहीं। मैं अपनी तरफ से बोलूं दीदी रिपीट करो रिपीट, मैंने देखा अरे ये तो बहुत स्मार्ट टीम है, रिपीट करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि वो तो स्क्रीन पे आ रहा है। अति 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 सुंदर बूझो तो जाने। और दीदी आप ये बूझो तो जाने ग्रुप में जरूर डाल दीजिएगा ताकि जो सुंदर साथ आज नहीं आ पाए वो मिस ना करें इतने प्यारे आपके पूरे प्रेजेंटेशन को, अति सुंदर। शिल्पा जी की तरफ से मुझे याद आ गया एक और सेवा आ चुकी है, बगीचे टीम ने अपना जो क्विज प्रोग्राम, जो फ्राइडे क्विज होता है वो किया था, शिल्पा जी ने वो पूरा क्विज का पीडीएफ टाइप करके पीडीएफ बना के
भेज दिया है वो बहुत जल्दी सुंदर साथ जी तक पहुंच जाएगा। यदि आप भी अपनी टीम का पीडीएफ बनवाना चाहते हैं तो एक बार, पहले आ चुका है पर मिक्स हो चुका है थोड़ा सा, एक बार अपने पूरे टीम, एक टीम मेंबर, केवल एक टीम मेंबर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे और पूरी टीम के प्रश्नोत्तर शिल्पा जी को भेज देंगे ताकि आगे पीडीएफ बनाने की सेवा चलती रहे और यदि कोई भी प्रश्न मिस हुआ हो तो वो आप उनमें पढ़ पाए। तो शिल्पा जी का नंबर आपको ग्रुप में मिलेगा, आप एक टीम मेंबर सारे टीम मेंबर्स के प्रश्न इकट्ठे करके लिखे हुए ही हो कोई बात नहीं, आप उनको भेज सकते हैं, आगे सेवा टाइपिंग की सुंदर साथ कर लेंगे। हाँ जी, उसके बाद चलते हैं। हाँ जी, उसके बाद आपके प्रणाम का स्टाइल इतना अच्छा था, तब प्रेजेंटेशन की वो ऑन थी। मैं एक बार ये चाहूंगी अब फाइनल जयकारा आप अपनी वो लाइन अगर दोबारा निकाल पाए और मिलकर अभी लगाएं तो आप सभी सुंदर साथ जी को दिखाई भी देंगे और सभी सुंदर वही वाला जयकारा लगाइएगा वापस से। मैं एक मिनट अनम्यूट कर लूं सबको, फिर आप शुरू कीजिएगा। और सबसे सुंदर चीज पता है क्या लगी सुंदर साथ जी, इनको ढूंढने में बिल्कुल भी परेशानी नहीं हुई क्योंकि ये सारे अपने साथ सहयोगिता की तरह बगीचे लिखकर आए हुए थे तो एक एक सेकंड में अनम्यूट करने में कोई दिक्कत नहीं हुई। तो आप भी यदि अपनी टीम का नाम लिखकर आए तो बहुत ईजी होगा। हाँ जी, All unmuted, you can start. आप सब परमधाम की लाडियों के बगीचे रूपी तन में हृदय में विराजमान श्री युगल स्वरूप हमारे प्यारे राज्जी श्यामा जी के चरण कमल में दंडवत प्रेम प्रणाम जी, प्रेम प्रणाम, प्रेम प्रणाम जी, प्रेम। अरे वाह, प्रेम प्रणाम जी आप सबके चरणों में, कोटान कोट प्रणाम जी, मिलकर जयकारा भी लगा दीजिए ऐसे ही। बोलो श्री प्रणाम प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय, बोलिए श्री पन्नाथ की जय, सर्व सुंदर की जय। प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी, दस सुंदर साथ प्रणाम जी, प्रणाम जी। आइए सुंदर साथ जी अब हम चलते हैं, ये पूरी टीम को बहुत सारा प्यार लुटा सकते हैं आप, तब तक श्री मुखवाणी की अति सुंदर चौपाई की तरफ। प्रणाम जी, प्रणाम जी, अरे वाह, आज हमारी चांद कमल आंटी जी श्री खुलासा प्रकरण 3 चौपाई 74। प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, आज का प्रेजेंटेशन तो बिल्कुल शब्द ही खत्म हो गए, इतने सुंदर, बहुत ही सुंदर प्रेजेंटेशन, सारी पूरी टीम को बहुत 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 दिल से बधाई, बहुत अच्छा था। तो सुंदर साथी, हम राज जी के चरणों में प्रणाम करते हुए अपनी चौपाई की तरफ चलते हैं। श्री खुलासा ग्रंथ प्रकरण है 3 और चौपाई नंबर है 74। हम बंदे रूहे इन दरगाह, कहया अर्श दिल मोमिन, यारो गुलावे मोहम्मद, करो सिजदा हजूर अर्श तन। सुंदर साथ जी, ये चौपाई जो है एक उत्तर में बोली गई है, इसके लिए पहले हम 73वीं चौपाई पढ़ते हैं जिसमें प्रश्न किया गया है। कहे मोहम्मद सुनो मोमिनो, ए उमी मेरे यार, छोड़ दुनी लो अर्श को, जो अपना वतन नूर पार। श्री प्राणनाथ जी कहते हैं, हे साथ जी, सांसारिक चतुराई से रहित शुद्ध हृदय वाले आप ही मेरे सच्चे प्रेमी हैं। इस मायावी जगत से अपना ध्यान हटाकर उस परम धाम में ले चलिए जो अक्षर ब्रह्म से भी परे है। बहुत सुंदर धनी ने कहा, खुद ही उन्होंने हमारी बड़ाई भी कर दी कि संसारिक चतुराई से जो रहित हैं, जो शुद्ध हृदय वाले हैं, वही मेरे सच्चे प्रेमी हैं।
अब इसके उत्तर में रूहें बोल रही हैं, हम बंदे रूहें दरगाह कहया अर्स दिल मोमिन, यारों बुलावे मोहम्मद करो सजदा हजूर अर्सन। प्रत्युत्तर में सुंदर साज्य की ओर से कहा जा रहा है, प्रियतम के प्रेम में डूबी हम आत्माएं परम धाम की रहने वाली हैं, किंतु हमारा हृदय ही हमारे प्राणेश्वर का धाम है। हमारे प्रियतम श्री प्राणनाथ तारतमणि के प्रकाश से हमें बुला रहे हैं, अतः श्री महामती जी के धाम हृदय में विराजमान अपने प्राण वल्लभ अक्षातीत को प्रत्यक्ष मानकर प्रणाम कीजिए। इसका भावार्थ भी पढ़ लेते हैं सुंदर सा जी। उपरोक्त प्रकरण की 72वीं चौपाई में कहा गया है, जिस प्रकार पर आत्म के तनों में फरामोशी और गुनाह लगा है, उसी प्रकार आत्मा के तनों में भी फरामोशी और गुनाह लगा है, क्योंकि वह पर आत्म की प्रतिबिंब स्वरूप है। ठीक यही स्थिति स्वरूप के निर्धारण में भी है। जिस तरह पर आत्म के हृदय धाम में अक्षातीत का स्वरूप विराजमान है, उसी प्रकार आत्मा के भी धाम हृदय में प्रियतम विराजमान है। इन गुनहगारों के दिल को अपना अर्ज कर बैठे मेहरबान। खुलासा प्रकरण 3 चौपाई 70 तथा कहया अर्ज दिल मोमिन खुलासा प्रकरण 3 चौपाई 74 का कथन यही सिद्ध करता है। जब श्री महामती जी के धाम हृदय में प्रियतम अक्षातीत विराजमान होकर श्री प्राणनाथ जी के स्वरूप में लीला कर रहे हैं, तो उस स्वरूप को प्रणाम करने या मूल मिलावे में विराजमान मूल स्वरूप को प्रणाम करने में कोई भी अंतर नहीं है। यदि ये कहा जाए अर्श बका पर सिजदा करावसी इमाम की कथनानुसार मात्र परम धाम के ही स्वरूप पर सिजदा करना चाहिए, तो ये उचित नहीं है, क्योंकि तुम ही उतर आए अर्श से तुम ही क्यों मिलाप। श्रृंगार ग्रंथ के अनुसार मूल स्वरूप राज्य ही संसार में अपने आवेश स्वरूप में श्री प्राणनाथ जी के रूप में लीला कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में दोनों स्वरूप में कोई भेद नहीं माना जा सकता। यद्यपि श्री प्राणनाथ जी के स्वरूप द्वारा सब सुंदर साध को मूल स्वरूप का ही ध्यान कराया गया, किंतु यदि कोई श्री प्राणनाथ जी को आवेश रूप मानकर उनका ध्यान करता है, तो भी उसकी शुद्धता मूल स्वरूप में अवश्य केंद्रित होगी। इस जागरण ब्रह्मांड में श्री प्राणनाथ जी की पहचान करना एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, जबकि उनके स्वरूप की अवहेलना करना एक अक्षम्य अपराध है। खुलासा प्रकरण 3 74 के चौथे चरण में अर्श तन शब्द आया है। इसका भाव ये है, जिस प्रकार धनी के दिल में विराजमान होने पर उसे अर्श दिल कहते हैं, उसी प्रकार तन में विराजमान होने पर अर्श तन कहा गया है। परम धाम में पर आत्म के सभी तनों में फरामोशी है, अतः उन तनों से प्रणाम करना संभव नहीं है। चाहे हम परम धाम में प्रणाम करें या संसार में, हमें अपनी पर आत्म की भावना से आत्मा का श्रृंगार करके ही प्रणाम करना चाहिए। खिलवत के पहले प्रकरण से ही ये बात दर्शाई गई है, श्री राज जी के सम्मुख बैठे रहने पर भी मूल तनों से न तो देखा जा सकता है, न बोला जा सकता है और न सुना ही जा सकता है। इसी चरण में कथित हजूर शब्द से यही आशय निकलता है कि इसी संसार में प्रत्यक्ष विराजमान श्री प्राणनाथ जी को प्रणाम करें। यदि ये संशय करें कि हमने इन आंखों से श्री प्राणनाथ जी को देखा तो नहीं है, पुनः प्रणाम कैसे करें, तो इसका समाधान ये है कि गुम्मट जी मंदिर की सेवा पर यदि हम युगल स्वरूप का भाव लेकर प्रणाम करें, तो ये प्रणाम अवश्य स्वीकार होगा, क्योंकि युगल स्वरूप श्री महामती जी के धाम हृदय में विराजमान है तथा मूल मिलावे में भी विराजमान है। इसी युगल स्वरूप की छवि को अपने धाम हृदय में बसाने का प्रयास करना चाहिए। श्री प्राणनाथ जी के नाम पर बनाए गए काल्पनिक चित्रों को कभी भी प्रणाम नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये जामनगर राज्य के 2 राजाओं के चित्र हैं, जो श्री देवचंद जी और श्री प्राणनाथ जी के रूप में प्रचारित किए जाते हैं। सार यही है कि हम श्री प्राणनाथ जी को मात्र युगल स्वरूप के रूप में ही देखें और उन्हीं का ही ध्यान करें। सुंदर साज जी, यो तो हमारे राजन स्वामी जी कुछ, उन्होंने भावार्थ में तो सब कुछ ही कह दिया है, हमारे कहने के लिए तो कुछ है ही नहीं, पर धाम धनी जैसा बुलवाएं। आप सब जानती हैं सुंदर सा जी, परम धाम में हमारी पर आत्म जो बैठी है उस पर फरामोशी है। फरामोशी क्यों है? क्योंकि आगे उन्होंने कहा ही है, उन पर गुनाह लगा है, उन्होंने खेल मांग लिया। तो सुंदर सा जी, जैसे पर आत्म पर गुनाह है, वैसे हमारी आत्म पर भी है, क्योंकि आत्म तो श्री राज जी की पर आत्म का ही दृष्टि है, नजर है, इसीलिए उसको हमने पर आत्म का प्रतिबिंब कह दिया है।
तो अब सुंदर सा जी प्राणनाथ जी हमें धामधनी हमें कह रहे हैं कि जो मेरे सुंदर साथ हैं वो इस मायावी जगत से अपना ध्यान हटाकर उस परम धाम में चलें और श्री राज जी के चरणों में प्रणाम करें। आगे सुंदर साथ कह रहे हैं, प्रीतम के प्रेम में डूबी रहने वाली हमारा दिल हमारे प्राणेश्वर का धाम है। हमारे प्रीतम प्राणनाथ तारतमवाणी के प्रकाश से हमें बुला रहे हैं। इसे श्री मामती जी कह रही हैं, हम धाम धनी जो यहाँ पर बैठे हैं, जो उमर जी में बैठे हैं, उनके चरणों में प्राण वल्लभ को ही मानकर उनके चरणों में प्रणाम करें। एक बात मैं कहना चाहती हूँ सुंदर साथ जी, हम में से कुछ सुंदर साथ ऐसे हैं जिनकी भावना ऐसी, जो ऐसा सोचते हैं कि धाम धनी जो घूमर जी में बैठे हैं वो वहां नहीं है और उन्होंने अपना तन छोड़ दिया है। हम सब जानते हैं हमारा देश योगियों का देश है। यहाँ पर तो लोग सौ तो क्या हजारों वर्षों से ही योग में तपस्या में लीन है, वो जीवित है, उन्होंने तन नहीं छोड़ा है। हमारे धाम धनी तो सिरताज है उन योगियों के, वो कैसे अपना तन छोड़ सकते हैं। और हमने तो चपइयों में खुद ही पढ़ा है कि आए यहाँ इकट्ठे हैं तो जाएंगे भी इकट्ठे, तो फिर हमें छोड़कर तो वो जा ही नहीं सकते। वो वही हैं, वो योग में हैं और बिल्कुल साक्षात आज भी वही बैठे हैं। इसलिए जब भी हम लोग अपनी चितवनी शुरू करते हैं तो हम सबसे पहले घूमर जी में उन धामधनी के जो कि तलहटी में चंदन के झूले पर बैठे हैं उनके चरणों में प्रणाम करते हैं, तभी वही हमारा हाथ पकड़कर हमें सतगुरु के रूप में आगे लेके चलते हैं। तो सुंदर साथ जी, ज्यादा तो मेरी बोलने की स्थिति नहीं है, मेरे तो शब्द बिल्कुल मतलब आंखें आंसुओं से भरी हुई है। एक तो इतनी सुंदर आप लोगों की प्रेजेंटेशन, आप कहते हैं हमने आंखें बंद नहीं की, मैं कहती हूँ मैंने आंखें खोली नहीं, मुझे तो सिर्फ बस ऐसे लग रहा था जैसे वही घुमा रहे हैं। इतनी सुंदर प्रेजेंटेशन और इंग्लिश में भी इतने भाव हो सकते हैं, ये पहली बार मैंने महसूस किया। ज्यादातर ये होता है सुंदर साहब जी, जो हमारी मातृभाषा होती है ना, भाव उसी में ही आते हैं, लेकिन ज्योति जी ने पहली बार अनुभव करवा दिया, नहीं इंग्लिश में भी बोलने पर कितने भाव आते हैं। तो बहुत बहुत बधाई धामधनी, आपके चरणों में बहुत बहुत प्रणाम। हम सबके दिल में राजी है और आप सबके श्री चरणों में मेरा बहुत बहुत प्रणाम। प्रणाम जी सुंदर साहब जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी चांद कमल आंटी, बहुत सुंदर आपने पहले तो चौपाई पढ़ी इतने प्यार से कि एक एक शब्द दिल में उतर गया, टीका हुआ ही इतना सुंदर है, ऊपर से पढ़ने वाले सुंदर साथ इतने प्यार से पढ़ रहे हैं, ऊपर से वो अपने दिल के भाव जब बताते हैं तो सोने पे सुहागा, इतना सुंदर ये श्री मुखवाणी से ये कार्यक्रम इतना सुंदर, क्योंकि राज्जी का आशीर्वाद रोज एक चौपाई के रूप में हमारे जो सिर पर बना रहता है, उनका तो बना ही रहता है, हम सिर हटा लेते हैं कभी कभी, पर वो अपना आशीर्वाद हमेशा वहां रखते हैं। उनकी मेहर हर पल कदीम से बरस रही थी, बरस रही है, बरसती रहेगी, कमी हम में रही थी, रही है और अब नहीं रहेगी, अब हम में कमी नहीं रहेगी, क्योंकि हमने उस बरसती हुई मेहर को समेटना शुरू कर दिया है। तो धनी धाम अपने आप ऐसे संयोग बनाते जा रहे हैं कि हमारे प्याले बिल्कुल सीधे होकर पूरी मेहर अपने आप में समाते जा रहे हैं। अति सुंदर चांद कमल आंटी, आपके चरणों में हम सब की तरफ से कोटि कोटि प्रणाम जी। प्रणाम जी, आप ही जयकारा लगाइए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय, धाम के धनी आपकी सदा ही जय, बोलो श्री पन्ना धाम की जय, समस्त सुंदर साथ जी की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। हाँ जी सुंदर साथ जी, अभी हम सभी सुंदर साथ अनम्यूट होके बात कर पाएंगे।